बिल्कुल गोपालगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्या कर रहे थे अपन अपन पुराने पेपर देख रहे थे और इससे पहले अपन 29 पेपरों पर बात कर चुके हैं 29 पेपरों में राजस्थान जीके के कैसे क्वेश्चन पूछे गए उन पर अपन बातें कर चुके हैं लगभग अब आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं ना पेपर देखते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नया कुछ भी नहीं है पूरे जैसे क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके के पूछे जा रहे हैं तो लगभग वही पेपरों वाला मैटर वापस रिवाइज हो रहा है नया कुछ भी नहीं है पांच आठ दस क्वेश्चन लास्ट मान लो कि ये पिछले पेपर में नहीं थे इसमें है या पांच पिछले जैसे तीसवा पेपर है तीस उन्तीस पेपर अपन जो देख चुके हैं ना इनमें राजस्थान जगह के क्वेश्चन देखे सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट है ना तो आज अपन का तीसवा पेपर है और विशेष रूप से राजस्थान जगह के क्वेश्चन देख रहे हैं अपन इसमें और ये लैब असिस्टेंट वाला पेपर है आरपीएससी और दिनेश बोर्ड के सारे पेपर अपन यहां विश्लेषण करेंगे तो कोई भी विद्यार्थी जैसे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाना वो सारे पेपर निकाल दे तो अस्सी प्रतिशत तैयारी है वो हो जाती है बाकी करने की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा मेरिट रहती भी नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर एक खाली जगह वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया कहां पर रा, राजस्थान ललित देखो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में लेकिन राजस्थान ललित कला अकादमी है वो जयपुर में है जलाना डूंगरी जयपुर में ठीक है वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया फरवरी 2022 में और जलाना में किया गया तो वार्षिक कला प्रदर्शनी कितनी थी कला प्रदर्शनी कितनवी थी तो कितनी थी तो ध्यान रखना ये बासठवीं कला प्रदर्शनी थी बासठवी ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं होने वाला अब आएगा कि नेक्स्ट फरवरी 2023 में होगा उसका पूछेगा ठीक है तो इस हिसाब से आप करंट का भी एक दायरा फिक्स कर सकते हैं कि हाँ करंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी करंट क्या पढ़ा है कितना पढ़ा है आपको नॉलेज हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन वो लेटेस्ट वाले पूछे जा सकते हैं तो करंट का सेम याद नहीं करना नॉलेज बढ़ाना कि ऐसे क्वेश्चन याद करने हैं आईएसएफआर 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन है लगभग ये तीसवा पेपर है इनमें से तीस में से दस पेपरों में यह क्वेश्चन था तो क्या है उदयपुर में वन क्षेत्र ज्यादा कहां यानी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है नेक्स्ट गोडवाड़ पर्यटन सर्किट इस तला में कवर करता है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जालोर पाली शिरोई बाड़मेर तो कौन सा क्षेत्र शामिल है इसमें देखो गोडवाड़ गोडवाड़ पाली जालोर और दक्षिणी जोधपुर का यही क्षेत्र गोडवाड़ है लूणी बेसिन का क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं लूणी बेसिन के दो गोडवाड़ प्रदेश के दो वही क्षेत्र है ठीक है तो जालोर इसमें गोडवाड़ सर्किट है पर्यटन सर्किट इसमें जालोर के जालोर क्षेत्र के कुछ मंदिर वगैरह है कुछ पाली के रणकपुर वगैरह वो मंदिर है बाड़मेर वगैरह और सिरोई ये सभी शामिल है घोड़वाड़ प्रदेश पर्यटन सर्किट घोड़वाड़ का उनमें ये सभी शामिल है जालोर पाली सिरोई बाड़मेर और क्वेश्चन नंबर चार चार नंबर क्वेश्चन है अठारवी राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमुरी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में तो ये राजस्थान के पाली जिले में हुआ है वाली जिले में इसका आयोजन हुआ अठारहवीं जमहूरी थी यह राष्ट्रीय स्तर जनवरी 2022 में उत्तरी दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन जनवरी 2022 में तीन दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ है तो कहां पर किया गया ये तो ये किया गया था रासमंद में और रासमंद में हुआ था नाथ में हाँ वही तो है और ये है ना ज्यादा चर्चा वाला क्वेश्चन नहीं है या उस समय ये जिस समय ये पेपर हुआ ना उसमें लोग सर्च कर करके थक गए थे और ये नहीं मिला था ठीक है और उस समय ये पेपर में जो की बना रहे थे ना सभी ने इस क्वेश्चन को अलग अलग आंसर बताए थे ठीक है तो ये करंट का क्वेश्चन था और ना द्वारा में आयोजन हुआ था ना द्वारा राशन पड़ता आंसर हो जाता है इन तीन दिवसीय योग महोत्सव इस क्वेश्चन को बहुत सर्च किया था उसने नहीं मिला फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया 2022 में फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं कौन है संजय कुमार क्षत्रिय संजय कुमार क्षोत्रिय फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वर्तमान में यही है अध्यक्ष चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सातवा क्वेश्चन नंबर सातवा और सातवा क्वेश्चन है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता से अधिक सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है वो हमारा राजस्थान है ठीक है अब तो लगभग बारह तेरह गिगावाट तक पहुंच गया तेरह गीगावाट से ऊपर चला गया तो दस गीगावाट से अधिक यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा ठीक है विंड है सोलर वगैरह ये सभी को मिलाकर ठीक है तो सोलर हब के रूप में भारत में टॉप पर है ये तो वो है हमारा राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की लिए कहां पर इसका आयोजन हुआ मेजबानी न्यूज तो ये कहां पर हुआ जोधपुर या जयपुर या कोटा या अजमेर तो जोधपुर में इसका आयोजन हुआ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दो का आयोजन जोधपुर में हुआ था नेक्स्ट आगे राजस्थान सरकार ने खालिद में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की बायोलॉजिकल पार्क वनस्पति उद्यान जैविक उद्यान कुछ भी कह सकते हैं तो जयपुर में नाहरगढ़ जोधपुर में माचिया सफारी और कोटा में तो नौ हाँ क्वेश्चन नंबर है आपका देखिए हा नौ नंबर का नया तो जयपुर में तो पहला था वो वो तो पहले से है अब नई घोषणा में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई है तो वो ध्यान रखना एक तो जोधपुर में और एक कोटा में इन दोनों में तो ये ऑप्शन आपका दो नंबर है सही है ठीक है वो जयपुर में पहले से है क्वेश्चन नंबर दस और दस नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है आपके सामने और इंडियाज बेस्ट अवार्ड दो के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया है राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारत में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ कोई भी भारत की कोई हस्ती है वो शादी करना चाहती है तो राजस्थान को चुनती है पहले सर्वाधिक पहली पसंद है शादी के लिए राजस्थान ठीक है तो ये राजस्थान आकर शादियां करते हैं तो वेडिंग डेस्टिनेशन पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान है टॉप पर है पूरे भारत में हिमताराम बांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं किस क्षेत्र से संबंधित है हिमताराम बांबू का संबंध किस क्षेत्र से है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था पिछली बार तो किस क्षेत्र से संबंधित तो है तो पर्यावरण से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है हिमताराम बांबू पद्मश्री मिला था पिछली बार जो भी पद्मश्री इस बार पद्मश्री पद्म पुरस्कार जो भी जो जिस व्यक्तियों ने राजस्थान के व्यक्तियों ने प्राप्त किया है उनका क्षेत्र भी ध्यान रखना वो किस जिले से संबंधित है ये भी याद रखना कहाँ के हैं और, और कौन सा पुरस्कार मिला किस जिले से है किस क्षेत्र से संबंधित है वो किस जिले को एक्सीलेंस किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत चौबीसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार कल परसों और था रिपीट क्वेश्चन सेम रिपीट क्वेश्चन एकदम रिपीट है ना उसमें इतना ही पूछा कि चौबीस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है किस जिले को मिला था तो ये मिला था नागौर को चौबीसवा राष्ट्रीय और किसके लिए सिलिकोसिस केयर के लिए सही तो तो ना पिछले में ऐसे पूछा था सिलिकोसिस केयर के लिए अभियान चलाया था उसके लिए नागौर जिले को चौबीसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है तो ये पिछली बार का है अब और ये पुरस्कार कितनी तारीख को मिलते हैं पंचायती राज दिवस का मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को तो आगामी एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इस बार मिलने वाले हैं चौबीस अप्रैल को आगामी चौबीस अप्रैल को मिलेंगे वो पूछा जाएगा ये ध्यान रखना ठीक है तो एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस इन री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी का चौबीसवा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है नागौर जिले को मिला चलो बारवा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट आगे तेरवा क्वेश्चन नंबर तेरवा और तेरवा क्वेश्चन है पर्यटन संबंधी पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था सांचू पोस्ट स्थित है तो सांचू माता का मंदिर है यह ये, ये क्वेश्चन है ना इससे पहले कई एग्जाम में कहीं नहीं पूछा गया न कोई पढ़ाते हैं न कोई याद करते हैं क्योंकि कभी पूछा ही नहीं गया तो क्यों याद करें यह पहली बार पूछा गया तो आगामी में एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होने वाला है याद रखना संचू माता का मंदिर जो सुर्खिया में रहा और यह मंदिर है आपके कहां पर बिकानेर में बिकानेर में यह मंदिर स्थित है नेक्स्ट आगे चौदवा क्वेश्चन पचासवी पचासवीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता 2022, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय है, हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी किसने की तो किसने मेजबानी पर? आयोजन हुई है ये हुई है जयपुर में तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर ये करंट का क्वेश्चन लेटेस्ट वाला याद करना है यह अब सेम टू याद करने की जरूरत नहीं है यह भी ध्यान रखना फरवरी 2022 क्योंकि यह समय का करंट का अब आगे ध्यान रखना फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित कराने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया था तो डूंगरपुर में यह अभियान चलाया था मेरी पुलिस मेरी दोस्त क्वेश्चन हो गया पंद्रवा और सोलवा क्वेश्चन सोलवा क्वेश्चन फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश्वरनाथ भंडारी किस हाईकोर्ट के तो मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी तो कृष्णा नागर कहां की है पहले तो बता दूं कि यह है जयपुर की जयपुर की कृष्णा नागर ने स्पेनिश पेरा खाली जगह टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है किस खेल से संबंधित है तो कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से, से है कृष्णा नागर का संबंध किसे है बैडमिंटन से है बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में फाइटोसेनेटरी लैब फाइटोसेनेटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी कौन से जिलों में की जाएगी कोटा और जयपुर में कोटा और जोधपुर में कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब्स स्थापित की जाएगी ये पिछले बजट की घोषणा है तो ध्यान रखना अब की बार बजट में कहा कहा क्या स्थापित होने वाला आपको याद वो रखना है न कि ये क्योंकि ये था करंट का क्वेश्चन तो करंट वाले लेटेस्ट अपडेट याद करना राजस्थान के किस जिले में एमएसएमई तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा कौन से जिले में एमएसएमई का पार्क स्थापित होने वाला है तो दोसा में दोसा में एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा खाली जगह की गौरी माहेश्वरी गौरी माहेश्वरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कहा की है यह गौरी माहेश्वरी तो कहां की है अजमेर अजमेर की गौरी माहेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कोई राजस्थान का व्यक्तित्व है राजस्थान का कोई भी व्यक्ति तो वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है तो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा बाकी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों से बहुत सारे सम्मानित हुए हैं वो नहीं पूछा जाएगा जो राजस्थान से संबंधित है वो जरूर पूछा जाएगा उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर उत्तरलाई हवाई हड्डा है वो कहां पर है तो उत्तरलाई है आपके बाड़मेर में उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट बाड़मेर में है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया तो जयपुर में किया गया क्या है ये संविधान पार्क जिसको बोलते हैं अपन संविधान पार्क का उद्घाटन क्या है ये कहां पर है जयपुर में है क्वेश्चन नंबर तेबीसवा हाल ही में सोने के भंडार मिलने की संभावना बताई गई है देवतलाई गांव जो खबरों में रहा है स्वर्ण भंडारों के लिए चर्चा में रहा देवतलाई गांव का संबंध तो भीलवाड़ा देवतलाई गांव कहां का भीलवाड़ा का देवतलय गांव ये भी करंट का था क्वेश्चन इस पेपर में करंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए किसने राजस्थान किसान साथी पोर्टल राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है तो ओम प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश ने कौन सा पुरस्कार राज राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 ठीक है डॉक्टर ओम प्रकाश ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है तो जयपुर में कौन सा गांव चौंप गांव जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है चौंप गांव जयपुर में कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है पादप उत्पाद नहीं है ब्रोकली ब्रोकली वो होती है ना जैसे गोभी होती है ना गोभी गोभी टाइप की हरी हरी कलर की ब्रोकली होती है ना वो ये पादप उत्पाद ही है ब्रोकली ब्रोकली हरी कलर की गोभी होती है ठीक है सब्जी गोभी है ना वो और चिकोरी कपूर ध्यान रखना कपूर भी पादप उत्पाद है और चिकोरी आईजी ग्लास ये पादप उत्पाद नहीं है इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 26वां क्वेश्चन हो गया हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन की बैटरी कौन सी धातु के प्रयोग तो साइंस वाले छोड़ दें औद्योगिक क्रांति जर्मनी ये अभी अपन के यो आरओ वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे अभी केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन केवल राजस्थान जीके के, के क्वेश्चन देखेंगे तो ये छोड़ देते हैं एक बार लोकसभा हाँ ये पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटी है इसमें चलो पचास नंबर का क्वेश्चन है क्या है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है ये 26 जनवरी 2019 के अनुसार पूछा गया है कि एस और एस की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है तो ध्यान रखना एस की ज्यादा है चौरासी सीटें तो एस की है एस टी की है सैतालीस एस टी की है सैतालीस देखो चौरासी सैतालीस सैतालीस तो, अगर थोड़ा याद रह जाए ना तो भी दो ऑप्शन तो काट सकते नजदीक नजदीक पहुंच जाते पहुंचते ही पता चल जाएगा कि ज्यादा एस सी को आरक्षण है एस टी को थोड़ा कम है ये ध्यान रखना राजस्थान में भी और केंद्र में भी एस सी को ज्यादा आरक्षण है एस टी को कम है ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान रखना है तो दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा एससी को चौरासी लोकसभा में एससी की 84 सीटें और एसटी की 47 ध्यान रखना लोकसभा में ओबीसी को, को कोई आरक्षण नहीं है लोकसभा में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है ठीक है लेकिन एससी एसटी को आरक्षण है इतना ही ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य लगा आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है क्वेश्चन है आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है तो डीसी वासी डीसी में स्थापित है हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है हाड़ी रानी की बावड़ी है? में है मालपुरा है उनियारा में है या पीपलू में है तो टोडा राय सिंह टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी हाड़ी रानी की बावड़ी कहा है टोडा राय सिंह टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी और बावनवा क्वेश्चन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कादरी नहीं है ध्यान रखना शुष्क बागवानी संस्थान यह बीकानेर में है बीकानेर में है ठीक है चलो राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है तो मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी भील वगैरह जाति के लोग ज्यादा रहते हैं ना तो यह मेवाड़ क्षेत्र में मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है तो कृषि अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा की ओर से माही कंचन माही कंचन और माही धवल ये दोनों तो है मक्का की माही सुगंधा होती ना तो वो चावल की हो जाती दूध दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी गाय की नस्ल है वो श्रेष्ठ है गिर और राठी गिर और राठी गाय है ये दूध उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है नागौरी तो दूध बिल्कुल नहीं देती मालवी भी, भी नहीं देती ये माल देखो माल भी नहीं देती ये ऑप्शन कट गया ये ऑप्शन कट गया दो ऑप्शन ये कट गए और एक नागौरी से ऑप्शन कट गया तो गिर और राठी ये श्रेष्ठ है दूध उत्पादन में छप्पन नंबर का क्वेश्चन है क्या है राजस्थान के थार के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरगण तकनीक है थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक है वो टांका बावड़ी तालाब खड़ीन तो खड़ीन हो जाएगा इसका आंसर राइट ब्राह्मण वगैरह वो चलो जैसलमेर क्षेत्र में ज्यादा है राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा परियोजना अंतर्गत शामिल है तो जालोर और बाड़मेर जालोर जालौर बाड़मेर के कितने गांव नहीं वो कितना का क्या था किलोमीटर कितने किलोमीटर है राजस्थान में नर्मदा नहर कल परसों था कि चौहत्तर किलोमीटर राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है किलोमीटर कल परसों वाला पेपर में ये क्वेश्चन था सही परियोजना का संबंध है उदयपुर से सही परियोजना के माध्यम से मारवाड़ में कौन से बांध में पानी लाया जाता है तो यह हाँ, आपका पाली में जमाई बांध नेक्स्ट आगे लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले हाँ क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला में कौन सा सुमिलित नहीं है पन्नालाल बारूपाल वीर तेजाजी बरकतुल्ला खां और करण सिंह लाभान्वित कौन सा नहीं है तो ध्यान रखना पन्नालाल बारूपाल इसका एक ध्यान रखना लाभान्वित जिला और इसका पूर्व नाम ये इसमें याद करना पन्ना लाल बारूपाल लिप्टेर का पहले नाम क्या था पन्ना लाल बारूपाल पहले नाम क्या था गजनेर गजनेर लिफ्ट लिप्टनर पन्नालाल बारूपाल अब है इसे बिकानेर और नागौर लाभान्वित है ये बिल्कुल सही है वीर तेजाजी लिफ्ट लिप्टनर है इसका पहले नाम था बांगड़सर लिप्टेर बांगड़सर लिप्टनैर पहले नाम था अब है वीर तेजाजी इसे लाभान्वित है बरकतुल्ला खां इसका अब नाम कर दिया रा, बाबा रामदेव बरकतुल्ला खां का बाबा रामदेव तो ये जैसलमेर और बाढ़ से लाभान्वित है सही है ये और कर्ण सिंह लिप्ट ने बीकानेर लाभान्वित है हनुमानगढ़ में नहीं जाती है ये इसलिए यह गलत है इसमें यह गलत है हाँ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है रोहिली रोली खाने किस खनिज से संबंधित है रोहिली खाने है वो कौन से खनिज से संबंधित है तो ये रोहिली खाने यूरेनियम से संबंधित है यूरेनियम की खान राजस्थान का अक्षांसी विस्तार पूछा गया तो तेबीस डिग्री तीन मिनट देखो यहां ध्यान रखना दक्षिण दिया है तेबीस डिग्री तीन मिनट से तीस डिग्री बारह मिनट तो रेडिया लेकिन यहां दक्षिण से दक्षिण नहीं उत्तर से उत्तर दोनों तरफ उत्तर ही आएगा ठीक है तेबीस डिग्री तीन ते मिनट उत्तर से तीस डिग्री बारह मिनट उत्तर तो दो नंबर ऑप्शन आपका सही है उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही है दोनों तरफ नेक्स्ट आगे राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसॉल्स समूह की मर्दा पाई जाती है एंटीसॉल्स तो एंटीसॉल्स है ध्यान रखना यह है क्षेत्र में एंटीसोल्स वर्ल्टीसोल्स का है तो हड़ोती क्षेत्र में वर्टी सॉल्स मिट्टी या हड़ोती क्षेत्र में एंटी सॉल्स वर्टी एंटी वर्टी एंटी ऐसा याद रखना वर्टी सॉल्स हड़ोती में एंटी सॉल्स है ना एंटीबायोटिक पावर ज्यादा है मरुस्थलीय लोगों में है ना कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है तो ये ध्यान रखना तो एंटी तो ये मरुस्थल में है पश्चिमी राजस्थान में है बासठ नंबर का क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन है आगे तिरसठवा गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं यह भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है गोडवार बेसिन अभी तो पीछे आया था गोडवार बेसिन के बारे में क्या था क्वेश्चन उसमें गोडवार पर्यटन क्षेत्र पूछ लिया था उसमें जालोर पाली शिरो जालोर पाली शिरो एक और था बाड़मेर हम्म। तो ये गोडवार प्रदेश यह लूणी बेसिन का क्षेत्र है लूणी बेसिन का यह भी हमेशा लगभग क्वेश्चन आ रहा है लगातार पेपरों में मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए फसलों के हेर फेर को अपनाना भाई फसल बदल बदल कर बोना तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी तो मिट्टी का अपर्दन थोड़ी रुकेगा इससे वृक्षों की पट्टी लगाना खेतों में मेड़बंदी करना या चारा गांवों को विकसित करना तो क्या हो जाएगा वृक्षों को पट्टी में लगाना पट्टीदार वृक्ष लगाना ये मरुस्थलीकरण को रोकने का तरीका है मिट्टी के अपर्दन को रोकने का तरीका है रामगढ़ विश्वदारी अभियान क्वेश्चन ये हर पेपर में फिक्स हो गया रामगढ़ विश्वदारी अभियान को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है क्या बना दिया अब इसे बाघ संरक्षण क्षेत्र बना दिया बाघ संरक्षित कर दिया गया राजस्थान का चौथा और भारत का बावनवा बाघ टाइगर प्रोजेक्ट है वो रामगढ़ बूंदी ये भी लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और सासठवा क्वेश्चन है राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है वालरा यानी स्थानांतरित कृषि जुमिंग जिसको बोलते हैं वही राजस्थान में ग्रासिया लोग है वो वालरा बोलते हैं और बिलों में पहाड़ी पर करते हैं वो चीमाता है और मैदानी बागों में करते हैं वो दजिया है ये दक्षिणी राजस्थान अब भी होती है पर्यावरण के लिए ये घातक है ध्यान रखना पर्यावरण के लिए ये नुकसानदायक है क्योंकि वृक्षों को जला की जाती है तो ये सर्वाधिक राजस्थान में होती है दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों में ये प्रचलित है वह वृक्ष जिससे कथा प्राप्त किया जाता है तो खैर से कथा कौन बनाता है कथोड़ी तो जनजाति के लोग एक याद कर लेना सालर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान के जिले याद करने एक एक जिला याद करना सालर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं यह क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला और शुभंकर त्रुटिपूर्ण है अलवर का बाघ नहीं बिल्कुल गलत है यही तो त्रुटिपूर्ण है भरतपुर का सारस साइबेरियन सारस केवला देव में माते हैं। बीलवाड़ा का मोर है और अजमेर का खड़मोर है तो चूरू का काला हिरण है ताल छापर चूरू का पहला ऑप्शन गलत था कुंबलगढ़ एवं गोगुंदा कुंबलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच पठार भोराट का सितरवा, क्या है हाँ कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से वनों की श्रेणी नहीं है है, इन प्रोटेस्टेड है रिजर्व है अनक्लासिफाइड है हाँ तो सुरक्षित वन देखो इसमें रक्षित कह दो संरक्षित कह दो सुरक्षित कह दो एक ही बात है रक्षित सुरक्षित संरक्षित या कह सकते हैं प्रोटेस्टेड ठीक है वो एक ही है ये लिखा है प्रोटेस्टेड लगभग पचपन छपन के आसपास प्रतिशत मिलेगा रिजर्व वन ये छत्तीस सैतीस के आसपास मिलेगा पैंतीस छत्तीस लगभग प्रतिशत लग मिलेगा अनक्लासिफाइड वन लगभग कितने मिलेंगे छह सवा छह के आसपास प्रतिशत तो मिलेगा तो ये वन है राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण की दृष्टि से और कर्मवार है ज्यादा ये दूसरे नंबर तीसरे नंबर पी आर यू ऐसे याद रखना क्योंकि इसमें नाम हिंदी वाले में नाम हमेशा ये कंफ्यूज करता है इसको इन प्रोटेस्टेड को सुरक्षित कह सकते हैं रक्षित कह सकते हैं संरक्षित कह सकते हैं ठीक है तो यहां सुरक्षित विका है आरक्षित है अवर्गीकृत है ठीक है और एक ध्यान रखना यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कि राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक है? है ना बीकानेर और आरक्षित वन वाला चित्तौड़गढ़ उदयपुर वगैरह वहां है आरक्षित वन सर्वाधिक है वहां आरक्षित वन ठीक है तो ये आगे से ध्यान रखना इनका जिले याद करने हैं आप कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है तो आपकी चंबल नदी कामधेनु भी कहते हैं अगर ऑप्शन में गाय की नस्लें दे दे तो क्या बताएंगे कामधेनु राठी गाय को कहेंगे कामधेनु राठी गाय को कहेंगे और नदियों का नाम दे तो चंबल नदी को कहेंगे ये लाल पीली मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त है पूरे दक्षिण में जाएंगे तो लाल मिट्टी पास डूंगपुर वगैरह है ना दक्षिण अरावली का दक्षिणी क्षेत्र लाल मिट्टी ठीक है थोड़ा ऊपर आएंगे हल्दीघाटी वगैरह यह क्षेत्र है ना राजसमंद का यहाँ क्या है लाल पीली मिट्टी है तो ये थोड़ा सा दक्षिण से थोड़ा ऊपर तो राजसमंद और सही माधोपुर का क्षेत्र लाल पीली मिट्टी यहाँ है इंदिरा गांधी फीडर जिसको बोलता है राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है तो 204 जो ऊपर से ढकी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन सर शरणवाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है यह क्या पूछ लिया भाई? शरणवाई नगर यह क्या क्वेश्चन आया हम्म आगे से शरणवाई नगर प्राचीन ऐतिहासिक नगर का नाम है शरणवाई नगर और यह नया क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है बिल्कुल नया शरणवाई नगर किस क्षेत्र का सांबर सिरोई शाहपुरा सोईमाधोपुर तो कौन सा होगा इसमें आंसर तो शिरो सिरु का प्राचीन या नाम था ऐतिहासिक नाम है ये तो शरण भाई ये प्राचीन नाम अच्छा क्वेश्चन है याद रखना नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बैठाना है सबसे पूर्व में इनमें से जिला कौन सा आएगा तो अजमेर इधर है पाली इधर है बाड़मेर तो बिल्कुल बूंदी करेंगे पहले सबसे पहले बूंदी बूंदी आते ही अपन का ऑप्शन राइट हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन इसी में है तो पूर्व से पश्चिम की ओर आना है तो पहले इधर से बूंदी आएगा फिर आएगा अजमेर की सीमा लगेगी फिर पाली की लगेगी पाली से इधर पड़ता है बाढ़ तो ये बाढ़ में आधार ये नक्शे पर आधारित है नक्शा याद होना चाहिए कौन सा जिला कहां पर है किस जिले की सीमा किधर किधर लग रही है किधर ठीक है तो नक्शा दिमाग होना चाहिए नए जिले बड़े हैं वो अभी याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो उन्नीस जिले नए बने हैं कुल मिला के फिफ्टी जिले बन गए हैं पचास जिले हो गए लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें आएगा तो ऐसे ही आएगा बाकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसी टाइप में पूछे जाएंगे आएगा तो ऐसे आएगा इनमें से कौन सा जिला बना है नया ठीक है कौन सा नया जिला बना है इनमें से कौन सा नहीं बना है किस से तोड़कर कौन सा जिला बनाया है तो ये पूछा जा सकता बाकी अभी बड़े हैं तो यहाँ डीप्ली क्वेश्चन बनने वाले नहीं है किस मंदिर को खम्बों का अजयगढ़ भी कहा जाता है तो यह रणकपुर का जैन मंदिर रणकपुर का चौदह सौ चौबालीस खंबों वाला रणकपुर का जैन मंदिर जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है तो ये सोनारगढ़ है सोनारगढ़ जूनागढ़ बीकानेर का है इटर नंबर का क्वेश्चन पारंपरिक वो कलाकार मांगिलाल मिस्त्री का संबंध किससे है मांगिलाल मिस्त्री ये कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार है वो कावड़ कास्ट कला से बनते हैं ना कावड़ तो कावड़ कला से संबंधित है मांगिलाल मिस्त्री का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मांगिलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित है राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदय सिंह फतेह सिंह भोपाल सिंह संग्राम सिंह मेवाड़ महाराणा क्वेश्चन ये गलत लिखा है महाराजा नहीं होते या, या होता है महाराणा मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था और यही इसी के पास है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चलो मत्स्य संघ मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित तो मंत्रिमंडल कौन शामिल नहीं था क्वेश्चन देखिए अब कहते है ना कि, कि एक ही में तो ज़्यादा बनते नहीं है क्या नहीं बनते मैंने कल परसों में पढ़ा है मत्स्य संघ मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे कल परसों में पढ़ रहा था मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में कौन शामिल था कौन नहीं था और इसके बाद में जो चौथा चरण है ना राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है चार बड़ी रियासतें जो शामिल होती उस मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन थे थेराल शास्त्री के नेतृत्व में चौथा चरण संपन्न हुआ था हेरा शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल थे तो ये भी क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे तो मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में किसे शामिल नहीं किया गया मास्टर भोलानाथ चिरंजीलाल शर्मा डॉक्टर मंगल सिंह रमेश कुमार तो कौन शामिल नहीं था तो इसमें मास्टर भोलानाथ शामिल थे चिरंजी लाल शर्मा शामिल थे मंगल सिंह थे लेकिन रमेश कुमार इसमें शामिल नहीं थे अस्सी नंबर क्वेश्चन हो गया अस्सी में ऑप्शन नंबर चार सही हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन उदयपुर में हेलो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन उदयपुर में महिला परिषद की संस्थापक उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी कौन थी बताइए इसमें है शांता त्रिवेदी कृष्णा व्यास लक्ष्मी देवी काबरा और कमला स्वाधीन तो शांता त्रिवेदी उदयपुर में यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उदयपुर में महिला परिषद की संस्थापक कौन उदयपुर में महिला परिषद की संस्थापक कौन उदयपुर में महिला परिषद की संस्थापक तो कौन है शांता त्रिवेदी उदयपुर में महिला इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट ये कई बार एग्जाम पूछा गया महिला परिषद की संस्थापक शांता त्रिवेदी है याद रखना बराबर ठीक है चलो आगे बयासी नंबर का क्वेश्चन वीर विनोद चमलदास वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास बस वीर विनोद श्यामल दास घटियाला अब बोलते हैं घंटियाली गांव जोधपुर में है बाड़मेर की तरफ जाते समय यह आता है और कल प्रश्न अपन बात कर रहे थे भाषा कौन सी संस्कृत में लिखा होता और प्रत्यार्थ से ककुक का वर्णन है इसमें घटियाला प्राकृतिक अभिलेख प्रत्यार शासक के संबंधित है तो ककुक का वर्णन है इसमें लिख दिया ककु काकुका चलो नेक्स्ट आगे पिछवाई चित्र शैली से संबंधित है है नाथ द्वारा से संबंधित ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है अहिरवाटी बोली है अहिरवाटी अलवर का क्षेत्र हरियाणा का सीमावर्ती क्षेत्र राठी या राठ क्षेत्र कह दो देखो इसमें गड़बड़ यू हो गया राठ या अहिरवाट एक ही है राठी नहीं है राठ है ये राठ क्षेत्र राठ या अहिरवाट एक ही है उसी को हरियाणवी भी, भी कहते हैं इसीलिए अच्छा हीर वाली हीर वाली नहीं हरियाणवी हरियाणवी बोलते हैं राठी या हरियाणवी राठ क्षेत्र है वहां बोली जाती है इसलिए यह डिलीट कर दिया गया क्योंकि ये मेवात यह इसकी मिलती जुलती है राठी लिख दिया राठी गाय की नस्ल है राठी गाय की नस्ल है वो क्षेत्र है राठ क्षेत्र है और राठ क्षेत्र की बोली है ये ठीक है हरियाणवी अहिर और इसलिए यह क्वेश्चन क्या है डिलीट कर दिया गया है क्योंकि लिखने में मिस्टेक कर दिया मोतीलाल तेजावत ने के आंदोलन कहां से शुरू किया था मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल कहा झाड़ोल झाड़ोल कोटड़ा उदयपुर में है और यहाँ क्या प्रसिद्ध है झाडोल की है झाड़ोल में क्या कौन सी खेती किसकी खेती होती है झाड़ोल कोटड़ा में तो कथोड़ी जनजाति रहती है वैसे कथोड़ी जनजाति क्षेत्र है एक तो हिसाब से कथोड़ी जनजाति के हिसाब से भी प्रसिद्ध है एक झाडोल कोटड़ा में यहां होती है हल्दी राजस्थान में हल्दी उत्पादन क्षेत्र है उदयपुर का झाडोल कोटड़ा यह भी ध्यान रखना चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं झाड़ोल से मोतीलाल तेजात ने आंदोलन की शुरुआत की थी कौन सा आंदोलन चलाया था विलों के लिए एक ही आंदोलन पथिक यानी विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को विख्यात किया था तो वो है प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकाल रहे थे गणेश मृत्यु के उपरांत राव गंगा के गंगा ये मारवाड़ का शासक राठौड़ शासक राव गंगा है ध्यान रखना की मृत्यु किसने हत्या की थी पुत्र मालदेव ने धक्का दे दिया था ऊपर से ना गंगा की मृत्यु के उपरांत में पांच जून पंद्रह सौ इकतीस ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना तो मालदेव ने हत्या की थी भाग गया था, राज्य से करवाया था मालदेव ये इटासी नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन है।, है नवासी डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक डूंगरपुर में गोहिल राजवंश का संस्थापक आश्रम शीशमल सावंत सिंह उदय सिंह कौन है सामन सिंह डूंगरपुर में गोहिल राजवंश का संस्थापक सामन सिंह है इंपोर्टेंट है याद रखना डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक सामंत सिंह है याद रखना ये महत्वपूर्ण है तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी मेजर पीरू सिंह थे और द्वितीय मेजर शैतान सिंह द्वितीय शैतान सिंह प्रथम है ये झुंझुनू के हैं मेजर पीरू सिंह के और मेजर शैतान सिंह जोधपुर का है शैतान सिंह नगर जिस जिनके गांव का नाम है और इन्हें कहा जाता है मेजर ये सेकंड नंबर ये है परमवीर चक्र ठीक है और शैतान सिंह को क्या कहा जाता है बाणासुर इनके गांव का पहले नाम था बाणासुर बाणासुर का शहीद के नाम से ये प्रसिद्ध है और राजस्थान के दो ही व्यक्ति है जिनको परमवीर चक्र मिला है और हाल ही में एक बात ध्यान रखना अंडमान निकोबार के 21 दीपों का नामकरण भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए गए उनमें से दो ऐसे द्वीप है शैतान सिंह के नाम पर भी किए गए उन भारत के 21 परमवीर चक्र विजेताओं में राजस्थान के दो शामिल है ना तो इनके नाम वहां अंडमान निकोबार दीप समूह में दो दीपों के नाम किए गए इस बार चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अठारह 1857 में अववा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन थे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे यह खपुरा नहीं लिखना था आधा लिखना था तकत सिंह थे तकत सिंह थे जोधपुर के तकत सिंह अनार सिंह को भेजा था सेनानायक बनाकर नेक्स्ट क्वेश्चन 300 ईसा पूर्व से 300 ईसवी यानी 600 वर्ष ईसा पूर्व से ईसा ईस्वी ठीक है तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ गोल चैत्य ग्रह बौद्ध धर्म से संबंधित है गोल चैत्य ग्रह बौद्ध धर्म से संबंधित गोल चैत्य ग्रह मिले हैं बैराट से तीन सौ ईस्सा पूर्व से तीन सौ ईस्वी तक छह सौ वर्षो के कार्य बीच का काल है जिसमें गोल चैत्य ग्रह मिले हैं बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं ये बैराट विराट नगर जयपुर मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी यहाँ से मिले हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र से संबंधित है तो संत हरिदास संत हरिदास गाडा धाम नागौर के हैं संत हरिदास वो ये गाडा धाम निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है दादू दयाल दादू दयाल दादू खोल वगैरह ना तो और राजस्थान नारायणा जयपुर में वगैरह ये पीपा जी पीपा जी के गुफा बाड़मेर में है संत पीपा जी प्रताप सिंह गागरौन के थे ये तो लालदास लालदास तो लालदास जी कौन सा ग्रंथ लालदास अवध विलास और लालदास जी अलवर क्षेत्र के धोलिदू अलवर के धोलिदू अलवर के है ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है ये कामड़िया पंथ है ना हर पेपर में फिक्स है कामड़िया पंत जी धनजी का है धनजी ध्वन टोंक में धन्ना ध्वन टोंक चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सूर्यमल मिशन मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली तो बूंदी के थे हड़ोती सूर्यमल मिशन बूंदी राम सिंह के दरबार में थे तो हड़ोती बोली वंश भास्कर और वीर विनोद की रचना सूर्यमल मिशन राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है वो बैणेश्वर धाम सोम जाखम पर बढ़ता है संत माऊजी के तप से स्थल है यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है शेर्ष अशुरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन मुठी बर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की साथ खोल देता ये मालदेव यहाँ का शासक था मालदेव के सेनापति कौन थे जैता कुंपा थे नेक्स्ट आगे बीकानेर के अनुप सिंह को एक ज्ञान रखना अनूप सिंह का काल है बिक्कानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल बिकनेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया माही भरात माही रखब माही विजेता माही शराब तो बिकनेर के अनूप सिंह को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औरंगजेब बिकनेर के अनूप सिंह को उपाधि किसने दी औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी तो माही भरात्यु की मराती यहां भरात्यु है माही माही भरातु भरात्यू है सही नाम है माही भरातु की उपाधि और किसको सिंह को अनूप सिंह का काल, के चित्रकला का स्वर्ण काल किस नदी के तट पर गिलुंड है गिलूंड है रासमंद में और गिलुंड सभ्यता है देखो वो रासमंद में है तो कांतली हो नहीं सकती कोठारी आहाड़ या बनास तो कौन सी हो जाएगी बनास राजमंद बनास नदी के किनारे स्थित है क्वेश्चन नंबर सो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके एक ध्यान रखना वर्तमान में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी सभ्यता का उत्खनन करता कौन है वो पूछा जाता है तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ एच डी ए एन घोष वी एन मिश्रा आरसी अग्रवाल तो कौन है इसमें आरसी अग्रवाल है इसमें हाड़ सभ्यता में बी है आर अग्रवाल ध्यान रखना आर से अग्रवाल और गणेश्वर में बी है तो ये इसमें कंप्लीट पेपर पेपरों के विश्लेषण से आप ले सकते हैं श्योर सिलेक्शन ये श्योर है कि केवल पेपरों के विश्लेषण से आप सब कुछ कर सकते हैं ठीक है आपके सिलेक्शन का आधार होगा पुराने पेपरों का विश्लेषण इसीलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासिज गोपालगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए थैंक यू धन्यवाद